ठीक। अब हमारे पास इसको हम चाहें तो a डॉट a प्लस a डॉट c प्लस a डॉट b प्लस b डॉट c लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो चारों टर्म आ गए जो हमें चाहिए थे। अब आपको कॉमन लेना है, कॉमन लेके इतना तो वहीं से ऊपर लिख देना, नीचे नहीं लिखते हैं। अगर पहले वाले टर्म से हमारे पास a कॉमन ले लें, a प्लस c बच जाएगा, और दूसरा टर्म से b कॉमन ले लें तो a प्लस c बच जाएगा, और दोनों टर्म से a प्लस c कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, a डॉट a प्लस b, और a प्लस b क्योंकि वो कौन सा लॉ, तो इसमें सीक्वेंस हम चेंज कर सकते थे, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b डॉट a प्लस c, यही क्या हो गया RHS। देखो हम इसको RHS से लेके चलते हैं तो छोटा होता सिंप्लीफिकेशन इसका, लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड से चलें जहां इसको दिखाने के लिए कि यह वाला तरीका भी आपको डेवलप हो जाए कि हम a को a डॉट वन लिखते हैं और फिर उसको वन को वन प्लस b जो वेरिएबल चाहिए उसमें एडजस्ट करके हम ला सकते हैं अपने पास में। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। Yes, sir. अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसको सॉल्व किया जाएगा। साथ में नोट कर रहे हैं ना, यस सर। यस सर। b प्लस a b बार इक्वल टू क्या लिखें, इसको तो आप बताइए डायरेक्ट, a b प्लस b बार, प्लस b बार क्या हो जाएगा, इसी तरीके से अगला पॉइंट अगर हम इसी को दूसरे तरीके से लिखते हैं, इसका डुअल लिखते हैं, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार इक्वल टू स्टिल क्या होगा। अगर एक चीज बताओ, अगर तुमने ये दोनों को कंपेयर करो तो ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के डुअल हैं कि नहीं है, यस सर। यस सर। डॉट को हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया है और प्लस को हमने डॉट में कन्वर्ट कर दिया है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में डुअल है तो राइट हैंड साइड में भी क्या होगा, डुअल ही होगा, डुअल होगा। और इधर भी डुअल करने के लिए कुछ है डॉट या प्लस, नो सर, तो ए का डुअल यही तो होगा, यस सर। एक तो यह सिंपल हो गया, हम लोग तो मान गए कि सही है, चलो इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। इसको तो प्रूफ करना बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है, ब्रैकेट बस ओपन कर दो, हो जाएगा, करके देखते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा शॉर्ट में लिखें, a डॉट a प्लस a डॉट b बार प्लस b a प्लस b डॉट b बार लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन किया केवल, यस सर। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो का आर करोगे तो जीरो का मतलब ही नहीं रहेगा, और जो बाकी तीनों टर्म बचे हैं सब में से एक कॉमन ले लें, यस सर। अब वन प्लस सम कुछ भी हो हमेशा क्या मिलेगा, वन ए डॉट वन, और जीरो तो खत्म ही हो गया है, और ए डॉट वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। यह बात हो गई हमारे पास। अब इसके बाद एक दो थ्योरम और होते हैं, जैसे एक हमारे पास होता है जी आई एच, R over and, अच्छा R over and का मतलब क्या समझ रहे हैं, SOP की POS, R over and का मतलब क्लियर है, POS सिर्फ POS होगा ना, नहीं SOP and, and करने के बाद और किया गया है R over and, and में कौन से टर्म जनरेट होते हैं, प्रोडक्ट की सम, POS प्रोडक्ट product of और फिर उसके बाद और कर दिया जाए मतलब क्या किया जाए, सम किया जाए ना, यस सर। यस
एसओपी जावा प्रोडक्ट्स ठीक। अब एसओपी ये करता है, थ्योरम ये करता है कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये प्रूफ है, मतलब ये थ्योरम करता है। अब इसको प्रूफ करके देखना है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ये बताओ किधर से चला जाए, LHS से चला है या RHS से? LHS। अब इसमें देखो कुछ कुछ मिसिंग फार्मूला, देखो वैसे इस फार्मूले को पहले देखो जरा कि A के साथ B है, है? हेलो यस सर। और A के कॉम्प्लीमेंट के साथ C है, यस सर। और B और C साथ में है, यस सर, यस सर, यस। लास्ट में बी और सी गायब हो गए कि नहीं गायब हो गए? ये बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से याद रखना है। अब इसमें हम LHS लेके चल रहे हैं, LHS इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी है। अब इसमें हमें से इसमें से बी सी को इलिमिनेट करना है, तो बी सी को बी सी डॉट वन लिख सकते हैं। और देखो ए डॉट बी को एजिटिज रहने दिए, ए बार सी को एजिटिज रहने दिए, और बी सी डॉट वन लिख ले, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ए डॉट वन हमारे पास क्या होता है? यही तो होता है, तो बी सी भी तो एक वेरिएबल ही है, उसकी वैल्यू जीरो या वन होगी। Yes, उसे सिंगल वेरिएबल मान के BC डॉट वन लिख सकते हैं, और वन को क्या हम लोग A प्लस A बार लिख सकते हैं? Yes, yes, yes. अब इस पूरे ब्रैकेट को अगर ओपन कर दिया जाए, हम लिख सकते हैं AB प्लस A बार C प्लस ABC प्लस A बार BC, लिख सकते हैं? Yes, sir. ठीक, अब देखो जरा कुछ दिख रहा है, पहले और तीसरे टर्म में अगर ए बी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? वन प्लस सी, वन प्लस सी, और वन प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन, वन, ए बी बच जाएगा। यस सर, यस सर। दूसरे और चौथे टर्म में ए बार सी कॉमन ले लो, वन प्लस बी, वन प्लस वन हो जाएगा फिर, और वन प्लस बी फिर वन हो जाएगा, तो ए बार सी बचेगा नहीं बचेगा? हमारे पास चलो लिखे लेते हैं ए बी वन प्लस सी, इनको और इनको एक साथ कॉमन किया गया है, और ये दूसरे वाले और चौथे वाले को आपस में कॉमन कर रहे हैं, तो प्लस ए बार सी, विजुअल है ना जहाँ लिख रहे हैं, बहुत नीचे तो नहीं जा रहा है? नो सर, यस सर। तो इसे लिख सकते हैं ए डॉट बी डॉट वन प्लस ए बार सी डॉट वन, और डॉट वन का कोई मतलब नहीं होता है, ए बी प्लस ए बार सी एंड दैट इज इक्वल टू आर एच एस। समझ आई बात सर? हाँ सर, जी पार्ट में ए इनटू ब्रैकेट में ए प्लस बी बार प्लस डी होगा। जी पार्ट में ब्रैकेट में जी ए बी ए प्लस बी A प्लस बी बार प्लस बी, हम समझ नहीं पा रहे, दोबारा बोलो, हम लिख रहे हैं सर G पार्ट में A प्लस बी डॉट A प्लस बी बार, उसमें आप यहाँ पे ये कहना चाह रहे हो? नहीं सर, A प्लस बी बार, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट में A प्लस बी बार प्लस बी होगा, वो कह रहे सर। LHS के सेकंड स्टेप में सर जब आपने कॉमन लिया है तो वहां पर यस, एक सेकंड रुक जाओ, यहां पे ये कहना चाह रहे हो कि यहां पे ये होगा? यस सर। क्या ए डॉट ए कितना होता है? ठीक है,
यह अभी जो रूल बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यह जो टर्म लॉ बताए हैं कि और ए हो और ए के साथ बी हो और ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ सी हो, इन दोनों टर्म को ध्यान से देखना, और फिर बी और सी साथ में आ जाए तो बी और सी वाला टर्म क्या हो जाता है, इलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसी तरीके से एक और लॉ लिख सकते हैं, जरा आप इसी का डुअल सोचना, जरा इसको ध्यान में रखिएगा। अभी हम कह रहे हैं जी एच आई कॉन्सेंसस लॉ और टर्म लॉ और एंड ओवर आर। अब बताओ जो एंड ओवर आर लिखने का क्या सोपी की पीओएस POS. POS. अब यह जो लिखा गया इसी का डुअल दे रहा, देखो हम लिख रहे हैं डुअल, क्या लिख रहे हैं, थ्योरम लिख रहे हैं। ये कोई बताएगा? A plus B A plus B dot A bar C A bar plus C dot B plus C equal to A plus B dot A bar plus C कर लेंगे। यस सर। प्रूफ करने के लिए सबसे सिंपल रास्ता है कि किधर चला जाएगा, एलएचएस से कि आरएचएस से? एलएचएस। चलो ब्रैकेट पूरा ओपन कर दो, तो ब्रैकेट पूरा ओपन कर दोगे तो टोटल कितने टर्म आ जाएंगे? पहले दोनों ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 4 टर्म आएंगे। यस सर। 8 टर्म। अब 4 टर्म में टोटल ध्यान से प्लस सुन लो, पहले दोनों ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 4 टर्म आएंगे मल्टीप्लाई करने से, उसमें से एक टर्म ए डॉट ए बार होगा पहला टर्म। यस सर। और ए डॉट ए बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो टोटल कितने टर्म बचेंगे पहले दो ब्रैकेट से? 3। तीन में फिर जो तीसरा ब्रैकेट ओपन, टोटल कितने टर्म हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और 6 में जब हमारे पास थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करोगे तो रिड्यूस हो जाएगा 4 टर्म में, ठीक है? और 4 टर्म लोगे तो कॉमन करोगे तो हमारे पास उसके बाद ये दो ब्रैकेट आ जाएंगे। तो स्टेप सोचो जरा कि हमारे पास राइट हैंड साइड में जो है उसमें ओपन करने में 4 टर्म चाहिए, तो किसी तरीके से ऐसा कुछ काम करना है कि लेफ्ट हैंड साइड चले वो चारों टर्म लाए, तभी तो कॉमन लेके हम दो ब्रैकेट में कन्वर्ट कर पाएंगे। थिंकिंग अप्रोच। यस सर। ठीक है, तो चलो प्रूफ वाली बात कर लेते हैं इसकी। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चले तो लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट लिख रहे हैं ए डॉट ए बार प्लस बी ए बार प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, पहला ब्रैकेट पहला दोनों ब्रैकेट ओपन कर दिए और यहाँ पे बचा बी डॉट सी, और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। 0 मतलब इलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस 0 क्या होता है? ए होता है। तो इस पूरे को ए मान लें, तीनों टर्म को, तो इसको एक वेरिएबल माने प्लस 0, तो यही तीनों वेरिएबल बचेंगे कि नहीं बचेंगे? यस सर। यस सर। तो बचेगा क्या? ए बार बी प्लस ए सी प्लस बी सी और बी प्लस सी। अब देखो पहले ब्रैकेट को देखो, तो ऊपर जो लॉ अभी हम लोग पढ़ा गया है उसको अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो बीसी डॉट बीसी गायब हो जाएगा ना? यस सर। बीसी गायब हो सकता है, लेकिन चलो अभी हम गायब नहीं कर रहे हैं, चलो अभी ओपन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे कंप्लीमेंट्री है ना, डुअल है, उस लॉ को यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास अब इसको लिख सकते हैं ए बार बी डॉट बी प्लस ए बी सी प्लस बी डॉट बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए सी डॉट सी प्लस बी सी डॉट सी, लिखा जा सकता है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें बताओ कि यह पूरा अगर इतने कॉम्बिनेशन को देखें, सॉरी एबीसी कहीं और है कि एक ही जगह पे है? एक ही जगह पे, एक ही जगह पे है। अब हमारे पास इसको थोड़ा थोड़ा सिंपल लिख लेते हैं, इसको ए डॉट ए बार बी लिख सकते हैं? Yes, sir. ठीक, यहाँ पे हम इसको ए बी सी लिख रहे हैं और यह बी सी हो जाएगा प्लस ए बार बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी हो जाएगा। हेलो। यस सर। यस सर। ठीक, अब इसमें हमारे पास क्या करो, ए बार बी, जन उल्टा सोचो जरा,
यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगर लेफ्ट राइट हैंड साइड से जरा सोच के देखो क्या रखना है क्या हटाना है, थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर राइट हैंड साइड को हम ओपन करें तो पहला टर्म क्या बचेगा, ए डॉट ए बार बचेगा गायब, वो तो कभी भी हम लोग लिख सकते हैं कि उसका मतलब जीरो ही है। और दूसरा टर्म बचेगा ए बार बी, अवेलेबल है। तीसरा टर्म बचेगा ए सी, अवेलेबल है। चौथा टर्म क्या बचेगा, अब यह जो इतना पूरा पार्ट है इसमें से देखो बीसी कॉमन ले सकते हैं प्रसन्ना। यस सर, अभी जो आपको डाउट हुआ था, अगर बीसी कॉमन हो वन प्लस समथिंग बचेगा। यस सर, जो बचा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं पहले, और बीसी कॉमन ले ले रहे हैं, तो बीसी अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में ए प्लस वन प्लस ए बार बचेगा। ये जो तीनों टर्म अंडरलाइन उसे बीसी कॉमन कर दिया, सही लिखे है ना। यस, अब ये इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन और वन डॉट, वन डॉट बीसी क्या बचेगा, बीसी, और बीसी प्लस बीसी क्या बचेगा, बीसी। ठीक, जो तीनों टर्म बचेंगे उसको लिख लें, बचेगा क्या, ए बार बी प्लस ए सी प्लस बी डॉट सी, सही है। और इसमें अपने मन से फालतू में प्लस जीरो लिखने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर। और जीरो न लिख के अगर हम जीरो को ए इंटू ए बार लिखें कोई फर्क, नो सर। अब अपने हिसाब से एडजस्ट करके कॉमन कर लो, तो अगर पहले और आखिरी टर्म में ए बार कॉमन कर लें तो ए प्लस बी बचेगा, और तो दूसरे और तीसरे टर्म में सी कॉमन ले लें तो ए प्लस सी ए प्लस बी बचेगा। क्या लिखे है ना, देखना कुछ मिस्टेक को बता देना, एक मिनट बैटरी डिस्चार्ज करना पड़ेगा, आप इसको कंप्लीट कर लो तब तक हम कर रहे हैं। हेलो, ये कंप्लीट हो जाएगा ना। यस सर, हो गया। ठीक है, तो क्लास में वरी करते हैं, टाइम भी हो गया है, तो छत पे ले जाने का काम कौन, ठीक, कल कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद गेट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।